गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट एज वी आर अवेयर जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेड हैज नो लिमिटेशन विद रिस्पेक्ट टू कंट्री बाउंड्री

धरती पर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो वी आर डिपेंडेंट अपॉन द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अदर कंट्रीज जो हमारे वहां नहीं है और दूसरों के यहां मौजूद हैं है, तो उसके लिए हमको ट्रेड करना ही पड़ेगा इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन डिफरेंट कंट्रीज में द फेस वैल्यू एंड इंटरेंसिक वैल्यू ऑफ द करेंसी चेंजेस जस्ट ट्रेड टू हैपन और ट्रेड को करने के लिए वी आर सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी और प्रोडक्ट दैट वी आर ट्राइंग टू ट्रेड तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी आर ट्राइंग टू इक्वेट द वैल्यूज ऑफ टू करंसी दो कंट्री की वैल्यू को एक बराबर लाना होता है क्योंकि तो हम जानते हैं जैसे एग्जाम्पल ले हम अमेरिका और इंडिया का तो अमेरिकन डॉलर इज हैविंग अ हायर वैल्यू एज कंपेयर टू इंडियन करेंसी बट वी शुड नो हमको जानना है कि कितना हायर एक डॉलर बराबर कितना रुपया देन ओनली द कमोडिटीज ऑफ फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वुड टेक प्लेस फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका और फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया so for that purpose it is essential that we are supposed to follow certain methods which will help us in deciding that what should be the exchange rate exchange rate matlab दो कंट्री की करेंसीज की वैल्यू को एक बराबर लाना उस रेट को जानना that how many units of one currency is equal to ट्री द इक्वेशन जो इक्वेशन हम लोग डेवलप करते हैं कि एक डॉलर बराबर सत्तर रुपया दैट कुड बी सेट एज द एक्सचेंज रेट लेकिन वो कैसे करते हैं दैट वी हैव टू टेकअप टूडे विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेथड ऑफ एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन सबसे पहले तो हमको यह समझना है कि दैट व्हाट वी मीन बाय एक्सचेंज रेट हम लोग एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है क्योंकि आप लोगों ने अपने अंडर ग्रेजुएट या पहले इंटर और ट्वेल्थ में देखा होगा एक्सचेंज रेट एंड एक्सचेंज कंट्रोल थोड़ी उसी का ही थोड़ा हायर वर्जन यहां पर आएगा डिटरमिनेशन मीन्स कैलकुलेशन द रेट एट विच द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इज कन्वर्टेड इंटू अनदर करेंसी क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि दो कंट्री की करेंसी ना ही देखने में ना हो इसकी वैल्यू में एक बराबर होती है द फेस वैल्यू एंट्रेंसिक वैल्यू इज डिफरेंट सो वट वी कैन डू कि दोनों कंट्री की करेंसी की वैल्यू को इक्वेट करना तो उसमें एक हायर वैल्यू का होगा एक लोअर वैल्यू का होगा तो जो हायर का होगा उसकी सिंगल यूनिट ले लें और जो लोअर का होगा उसकी नंबर ऑफ यूनिट ले लेंगे ले. रेट एट विच द वैल्यू ऑफ वन करोन एक्सचेंज रेटर द रेट ऑफ एक्सचेंज इज द रेट एट विच द करेंसीचेंज फॉर एन अदर और वन कंट्री कैन क्लियर डी ड्यूज विदर कंट्री सेम थिंग एक्सचेंज रेट को दिखाने के दो तरीके हैं एक को हम कहते हैं डायरेक्ट कोटेशन और दूसरा हमारा है इनडायरेक्ट कोटेशन डायरेक्ट कोटेशन मींस नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ होम करेंसी इक्वल टू वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी जो हायर वैल्यू उसको लेफ्ट हैंड पे रखेंगे और लोअर वैल्यू को राइट right हैंड पे तो हम कहेंगे डायरेक्ट कोटेशन और रेट को कहेंगे डॉलर रेट क्योंकि डॉलर के टर्म्स में इंडियन रुपी को बताया गया है दूसरा तरीका इनडायरेक्ट कोटेशन सेम चीज को हम दूसरी तरह भी कह सकते हैं कि हंड्रेड रुपी इज इक्वल टू वन पॉइंट टू फाइव डॉलर और यहां पर रुपी लेफ्ट हैंड पे है तो ये हो जाएगा रुपी रेट ये सौ रुपए बराबर टू फाइव डॉलर होता है दोनों ही तरीकों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन इंडिया में वी फॉलो डायरेक्ट कोटेशन मोस्टली रीजन बिंग रीजन बिंग ट्रेड दिका विच इज है डॉलर तो मैग्जिम ट्रेड हमारा डॉलर से होगा और डॉलर की वैल्यू इंडियन करेंसी से ज्यादा है एंड डॉलर इज द मोस्ट पॉपुलर ये करेंसी इन द वर्ल्ड और जिसका कन्वर्जन किसी भी करेंसी में आसानी से हो जाता है तो बेसिकली डायरेक्ट प्रोटेक्शन फॉलो करना ही आसान होता है और उसमें सिंगल करेंसी को हम लेफ्ट हैंड पे रखें और मल्टीपल करेंसी को हम right रटेंगे रखें तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है तो ये दो तरीके हो सकते हैं जिससे हम लोग एक्सचेंज रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना हाउ टू डिटरमाइन। देर आर फाइव मेथड्स पांच तरीके हैं विद हेल्प ऑफ विच वी आर एबल टू कैलकुलेट द रेट ऑफ एक्सचेंज डिमांड एंड सप्लाईम रेट डॉलर की डिमांड बढ़ रही है या घट रही है सेम रेट कैन मिंट पार पैरिटी थ्योरी परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी एंड फिशर इफेक्ट एक एक करके देखते हम लोग बहुत शॉर्ट में डिमांड एंड सप्लाई द रेट एट विच द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल ओवर पीरियड कि जिस रेट पर फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होगी ओवर अ पीरियड एक अर्से तक का विच कीप द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट टू बी इक्वल इट इज न्यूट्रल रेट बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट एनी आर्टिफिशियल एक्सपोर्ट एडवांटेज एंड डिस मतलब वो रेट जिसपे हमारी फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए दैट रेट कैन बी कंसिडर्ड एज द एक्सचेंज रेट विद द विद्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल देखिए सपोज इंडिया इज हैविंग ए ट्रेड रिलेशन विद अमेरिका और रिक्वायरिंग ऑल देयर एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ डॉलर

विद इंडिया और इंडिया के पास जब एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो फॉरेन करेंसी हमारा का रिजर्व बढ़ जाएगा एन एक्सचेंज रेट विल बी इन फेवर ऑफ इंडिया यहां पे देखिए वाई एक्सेस पे हमने लिया एक्सचेंज रेट और एक एक्सेस पे लिया है क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी डी डी डिमांड है एस एस सप्लाई है तो जब डिमांड और सप्लाई देखिए जिस पॉइंट पे काटते हैं दिस पॉइंट कैन बी सेड एज द एक्सचेंज रेट ई आर हमारा एक्सचेंज रेट है क्यू इज द क्वांटिटी वी कैन से ना इसी डायग्राम को आप समझिए यही चीज लिखा है ये डी डी एस एस वाई डी डी हमारा जो डिमांड स्लोप है जो डीडी है इस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है राइट right? इसका मतलब क्या हुआ विच मीन्स डिक्रीज इन द एक्सचेंज रेट इंक्रीज इज द डिमांड ऑफ फॉरन करेंसी इन फॉरन एक्सचेंज मार्केट दिस विल इंक्रीज द इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए टू इंडिया ये डिमांड का जो डाउनफॉल है ये इंपोर्ट को बढ़ाएगा फ्रॉम यूएसए टू इंडिया सप्लाई सोप देखिए एस एस ये हमारा इंक्रीजिंग की ओर है राइट इज अफ वर्ट स्लोपिंग विच मीन देर इंक्रीज इन सप्लाई फॉरन करेंसी एक्सचेंज और फॉरन एक्सचेंज एंड दिस में ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका इंडिया से अमेरिका से एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा विच मस्ट इंक्रीज द फॉरिन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया है दिस लेटेस्ट इंक्रीज इन अमेरिकन डॉलर टू रूपी द अपफर्ट सोप विल ऑल्सो शो द करेंसी ऑफ होम करेंसी इंक्रीज इज दस द इम्पोर्ट बिकम चीपर और अगर ये शिफ्ट हो गया द्रॉम एस एस टू एस वन एंड डी डी टू डी वन डी वन की स्लोप हमारा शिफ्ट हो गया सपोज देर इज ए शिफ्ट फ्रॉम ई टू ई टू तो एक्सचेंज रेट भी हमारा ई e से ई टू पहुंच जाएगा और क्वांटिटी भी हमारी ये देखिए एक्सचेंज रेट ई आ गया ये कर् काटा कर्ण और ये हमारे क्वांटिटी आ गई राइट ऑन द अदर हैंड इफ द सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीजिज एंड सप्लाई करिफ्ट फ्रॉम एस एस टू एस वन देन डॉलर वैल्यू विल depreciates and the house currency and we can say the home currency rupee will appreciate this shift this will shift the equilibrium from e to e1 the supply of foreign currency may be due to increase in export from india to america that is usa right न सी दैट वेन द डिमांड ऑफ फॉरन करेंसी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट इट सप्लाई रिमेन कॉन्स्टेंट विच लास्ट विच इनक्रीज इन विच विच लास्ट इन इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट वेर द सप्लाई ऑफ फॉरन करेंसी राइज ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट द डिमांड रिमेन कॉन्स्टेंट विच लास्ट विद डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट राइट मिंट पावर देखिए मिंट पावर कैन से मिंट पैरिटी थ्योरी द एक्सचेंज रेट इज एबसल्यूट और डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरिन करेंसीज इन दॉरन एक्सचेंज मार्केट मिंट पार में बेसिकली वी कैन से मिंट पैरिटी थ्योरी जो है उसका कॉन्सेप्ट यह है कि यहां पर हम लोग जो मेटल्स होते हैं या वट आर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज राइट right? यहां पे चार कॉन्सेप्ट लिया है हम लोगों ने वेन बो, अगर दो कंट्रीज हैं दोनों मेटेलिक स्टैंडर्ड पे हैं और सेम मेटेलिक स्टैंडर्ड मतलब दोनों जगह गोल्ड है या दोनों जगह सिल्वर है दूसरा जब दोनों जगह मेटेलिक है बट डिफरेंट मेटेलिक स्टैंडर्ड है एक जगह गोल्ड है और एक जगह सिल्वर है तीसरा वेन कंट्रीज ऑन गोल्ड पेपर करेंसी पे है और दूसरा गोल्ड स्टैंडर्ड पे है और चौथा जब दोनों ही कंट्री इनकनवर्टेबल पेपर स्टैंडर्ड पे हैल्कुलेट द एक्सचेंज इन एक्सप्लेन विद्पऑफी थियोरी पैरिटी मीन्स इक्वलाइज करना एक बराबर करना मिंट स जो करेंसी चल रही है उसकी वैल्यू क्या है दैट व्हाट इज द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ दैट करेंसी अगर ये मेटल है उसको तो गलाने के बाद कितनी वैल्यू उसकी होगी अब देखिए पहला केस व्हेन बोथ द कंट्रीज आर ऑन गोल्ड तो सिंपल सी बात है इस कॉन्सेप्ट में एक गोल्ड क्वाइंट में मतलब एक कंट्री में एक गोल्ड क्वाइन में कितनी ग्राम गोल्ड है और दूसरी कंट्री में एक क्वाइंट गोल्ड में कितने ग्राम गोल्ड है लाइक मिंट मिंट पार ऑफ एक्सचेंज बिटवीन यूएसए एंड इंडिया वन डॉलर इज इक्वल टू रुपीज फोर्टी फाइव मतलब एक डॉलर जो है वो कंटेन करता है रुपीज फोर्टी फाइव ग्राम का गोल्ड जो इंडिया में है ट मींस द एक्सचेंज रेट कैन बी सेट एज वन डॉलर इज इक्वल टू रूपीज फोर्टी फाइव मतलब ये तो दो कंट जो मेटल है उनके बेसिस पर एक्सचेंज रेट हमने बना दिया लेकिन एक्चुअल एक्सचेंज रेट में भी आइर मोर और लेस देन दिंट पार एक्सचेंज एंड एज देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड टू कंट्रीज द रेट ऑफ एक्सचेंज की जो कितना ये ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा उसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इसको भी फिक्स करना बहुत जरूरी है कि एक रेट तो फिक्स हो गया है जिसमें कहा गया वन डॉलर इज इक्वल टू रुपीज फोर्टी फाइव और ये किया हम लोग ने द कंटेंट ऑफ गोल्ड अवेलेबल इन द द्वार इन इंडिया एंड इन अमेरिका उसके बेसिस पर ये इक्वेशन हमारी डेवलप कर गई है लेकिन जो एक्चुअल एक्सचेंज रेट हो सकता है वो मिंट पार्स के ज्यादा हो या कम हो तो अब एक हम लोगों ने क्या किया अपर और लोअर लिमिट भी हम लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी दैट देर आर टू लिमिट्स अपर एंड लोअर विच आर कैलकुलेटेड बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कि अगर हम कमोडिटी को इंडिया से अमेरिका ले जाएं या अमेरिका से इंडिया ले जाएं तो जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए और कहा गया सपोज देर इज रुपीज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रुपीज टू दैट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गोल्ड वर्थ वन डॉलर फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया एज रुपी टू मतलब ये पैतालीस रुपए से सैतालीस रुपए ये अपर लिमिट हो जाएगी और यही दो रुपए को अगर हम घटा दें तो वह पैतालीस रुपए से फोर्टी थ्री हो जाएगा तो अपर लिमिट हमारी फोर्टी सेवन हो गई और लोअर लिमिट हमारी फोर्टी थ्री हो गई जब तक एक्सचेंज रेट हमारा फोर्टी थ्री और फोर्टी सेवन के बीच में फ्लक्चुएट करेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी फोर्टी थ्री और फोर्टी सेवन के बीच में फ्लेक्चुएट करेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी क्योंकि वो हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी कंसिडर कर रहा है लेकिन अगर 43 से लोअर चला गया या 47 से एक्चुअल रेट ज्यादा हो गया तो लोग एक्चुअल रेट जो एक्चुअल करेंसी वहां पे होगी उसको रोक कर गोल्ड से ही पेमेंट करना पसंद करेंगे क्योंकि जब गोल्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो उनको सस्ता पड़ेगा जिसके फॉर एग्जाम्पल लिया गया सपोज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ डॉलर इन इंडियन मार्केट राइजेस टू रूपीज फोर्टी सेवन पॉइंट थ्री अब ये अपर लिमिट से ज्यादा हो गया इन दिस सिचुएशन इंडियन इंपोर्टर्स विल प्रेफर टू मेक द पेमेंट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड बिकॉज द गोल्ड वर्थ वन डॉलर फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया इज रुपीज फोर्टी सेवन क्योंकि अगर वो गोल्ड के टर्म्स में पेमेंट करेंगे और जो एक्चुअल रेट इनका एप्रिशिएट कर गया है वो फोर्टी सेवन पॉइंट थ्री पड़ रहा है जो कि महंगा है और गोल्ड के टर्म्स में इनका फोर्टी सेवन ही लगेगा देर फोर इट इज इकोनॉमिकली टू इंडियन इंपोर्टर टू मेक द पेमेंट इन टर्म्स ऑफ अमेरिका टू अमेरिका एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रैदर देन इन टर्म्स ऑफ डॉलर डॉलर में पेमेंट करेंगे तो फोर्टी सेवन पॉइंट थ्री पड़ेगा और गोल्ड में पेमेंट करेंगे तो फोर्टी सेवन करेगा ऑटोमेटिकली दिस सिचुएशन इज गोइंग टू ब्रिंग द रेट ऑफ डॉलर लोअर

पार पैरिटी थ्योरी का कॉन्सेप्ट कंशियर हुआ सेम चीज अगर ये फोर्टी थ्री से नीचे चला गया देन करेंसीज विल बी टू मेक और रिसीव पेमेंट एंड अगेन द सिचुएशन विल बी वाइसी सिचुएशन कैन बी दे यहां पे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया गोल्ड करेंसी का आप कोई और मेटल ले सकते हैं बट आपको दोनों ही कंट्री में सेम मेटल लेना होगा आइदर यू कैन टेक टू कंट्रीज आर हैविंग सिल्वर स्टैंडर्ड राइट अब जहां पर एक कंट्री गोल्ड पर है और दूसरी कंट्री सिल्वर पर है तो उसका तरीका क्या होगा कि जिस कंट्री में गोल्ड पर है वन कंट्री इज ऑन गोल्ड एंड अदर इज ऑन सिल्वर पहली बात तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कंटेंट ऑफ सिल्वर इन सिल्वर क्वाइन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिल्वर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड तो पहले आप देखिए जो कंट्री सिल्वर पे है उसके क्वाइन में कितना सिल्वर है और उस सिल्वर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड क्या है फिर फाइंड करिए वैल्यू ऑफ गोल्ड इन गोल्ड क्वाइन अब यहां पर आपको गोल्ड का कंटेंट और गोल्ड की वैल्यू मालूम पड़ गई जो दूसरी कंट्री का था एंड देन यू कैन इक्वेट और फिर आप दोनों वैल्यू को क्योंकि आपने सिल्वर को भी गोल्ड पे ले आए और दूसरी कंट्री तो गोल्ड पे थे ही तो आपने सिल्वर को गोल्ड में ये कन्वर्ट किया दूसरी कंट्री गोल्ड पे थी देन इक्वेशन कैन इजिली बी डेवलप्ड दैट मीन्स वी हैव कन्वर्टेड द केस ऑफ एब इट सेल्फ राइट तीसरा केस देखिए वेन वन कंट्री इज ऑन गोल्ड एंड अदर इज ऑन इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी जब एक कंट्री गोल्ड स्टैंडर्ड पर रन कर रही है और दूसरी कंट्री इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी पे है देन द वैल्यू ऑफ इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड वी हैव टू कैलकुलेट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड क्या है जब ये मालूम पड़ जाएगा दूसरी कंट्री आपकी गोल्ड पर रही है

कितनी पेपर करेंसी का है यही चीज दूसरी कंट्री में मालूम करिएगा एंड इजिली वी आर एबल टू इक्वेट टू कंट्रीज आर अमेरिका एंड इंडिया और मान लीजिए जो कॉमोडिटी कंसिडर की है हमने गोल्ड है सो द प्राइस ऑफ गोल्ड इन इंडिया इज टेन ग्राम ऑफ गोल्ड दस ग्राम गोल्ड जो है वो दस हजार रुपए का है और अमेरिका में 10 ग्राम गोल्ड जो है वो 200 डॉलर का है ऑटोमेटिकली इट मीन्स वन डॉलर इज ओगल्ड रुपीज फिफ्टी दिस इज द रेट विच हैज बीन डेवलप्ड इफ बोथ द कंट्रीज आर ऑन इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी दोनों पेपर करेंसी को गोल्ड की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन द एक्सचेंज रेट कैन बी डेवलप्ड इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा हायर वर्जन में देखते हैं इसको तो कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी पी 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 दैट मीन्स ट्रिपल पी के नाम से भी बहुत ज्यादा जाना जाता है जो अभी हम लोगों ने इनकन्वर्टेबल देखा उसी थ्योरी को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से स्वीडिश इकोनॉमिस्ट गुस्सव कैसे ने 1920 में इस थ्योरी का नाम दिया परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी जिसको हम लोग ट्रिपल पी के नाम से जानते हैं इसमें बेसिकली परचेजिंग पावर जो करेंसी एक कंट्री में चल रही है उसकी परचेजिंग पावर क्या है और उसकी परचेजिंग पावर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग आउट कि अगर एक कम्योडिटी एक कंट्री का रेट क्या मतलब अगर हमने कोई एक कम्योडिटी लिया और उस कम्योनिटी की प्राइस निकाला सेम कमोडिटी हम दूसरी कंट्री में ले और उसका प्राइस देन ऑटोमेटिकली वी आर एबल टू इक्वेट द प्राइस ऑफ ऑफ द टू कंट्री दैट कमोडिटी एंड द एक्सचेंज रेट कैन बी इसका बेस्ट तरीका है कि हम एक बास्केट डेवलप करें और उस बास्केट में कई टाइप्स ऑफ कमोडिटीज को रखें एंड देन वी कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ द बास्केट इन वन कंट्री एंड सेम कमोडिटी ऑफ द बास्केट इन देन टोटल वैल्यू ऑफ द बास्केट इन अदर कंट्री देन ऑटोमेटिकली वी आर एबल टू इक्वेट दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज परचे पावर पायरिटी थ्रोरी मान लीजिए आपने दस कम्योनिटी बास्केट में रखे जिसमें गोल्ड है सिल्वर है या एफ एम सी जी गुड्स है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है दस कम्योनिटी ले लिया आपने अब दस कम्युनिटी सेम कम्युनिटी ए कंट्री में भी और सेम कम्युनिटी आपकी बी कंट्री में भी है अब दोनों वास्केट की हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया एंड कैलकुलेट करने के बाद हमने उसको इक्वेट कर दिया दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज परचेजिंग पावर परचेजिंग पावर पैरिटी को हम लोग दो कॉन्सेप्ट में देखते हैं एक एब्सल्यूट टर्म्स में और एक रिलेटिव टर्म्स में जो अभी कॉन्सेप्ट ऑफ बास्केट का हम आपको बता रहे थे उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एप्सल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के कॉन्सेप्ट से जानते हैं जहां पर हम लोगों को एक नेशनल बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर सेम दैट एब्सलूट होल्ड दैट एक्सचेंज रेट आर इनबियम वेन द वैल्यू ऑफ अ नेशनल बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर सेम बिटवीन द टू कंट्रीज द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी प्रोडिक्ट दैट द मार्केट फोर्सेज विल कॉज द एक्सचेंज रेट टू एडजस्ट वेन द प्राइज ऑफ अ नेशनल बास्केट आर नॉट इक्वल राइट और दूसरा कॉन्सेप्ट जिसे में क्या है अमेरिका में बास्केट जो है गुड्स की वो डॉलर हंड्रेड की है इंडिया में सेम बास्केट सेम गुड्स की कॉस्ट आठ हजार रुपए है तो हंड्रेड रुपीज इज इक्वल टू और हंड्रेड डॉलर इज इक्वल टू रुपीज एट थाउजेंड दैट मीन वन डॉलर इज इक्वल टू रुपीज एट्टी दिस रिफ्लेक्ट परचेजिंग पावर पैरिटी बिटवीन टू कंट्रीज इंडिया एंड अमेरिका

पी डी इज द प्राइज इन डोमेस्टिक करेंसी एंड प्राइज इन द दिन करेंसी तो डोमेस्टिक करेंसी आठ हजार रुपीज एट थाउजेंड डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय वी कैन से पी एफ दट इज प्राइज इन सी और एक्सचेंज रेट हमारा डेवलप हो जाएगा रिलेटिव कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने इन्फ्लेशन को भी कंसीडर किया क्योंकि इन्फ्लेशन रिलेटिव पावर पैरिटी इज एन इकोनॉमिक थ्योरी परचेर प्रायरिटी रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन ऑफ टू कंट्रीज ओवर स्पेसिफाइड पीरियड कि दो कंट्री में इन्फ्लेशन का रेट फर्क हो सकता है उसको भी कंसिडर करना चाहिए इफ द कॉस्ट ऑफ डॉलर द कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स इन इंडिया इज ट्वेल्व थाउजेंड एंड अमेरिका इज टू हंड्रेड द प्राइस कोटेड विल बी रुपीज सिक्सटी पर डॉलर ठीक है वन डॉलर इज इकल टू रुपीज सिक्सटी अब इंडिया में ड्यू टू इन्फ्लेशन इट हेज इंक्रीज फ्रॉम ट्वेल्व थाउजेंड टू फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और अमेरिका में फ्रॉम टू हंड्रेड टू टू हंड्रेड फिफ्टीन राइट द डिग्री ऑफ डेप्रिसिएशन सफर्ड by इंडियन रुपी इज द डिफरेंस इन द रेट ऑफ द inflation इन इंडिया एंड अमेरिका ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड अब यहां पर फर्क अगर हमने लिया तीन परसेंट मान लीजिए अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो पांच परसेंट का है एक इंटी पीरियड और इंडिया में ये आठ परसेंट का है इंडिया में आठ है और वहां पर तीन है मतलब थ्री परसेंट पांच है मतलब तीन परसेंट का जो इन्फ्लेशन डिफ्रेंशिएट कर रहा है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका तो रेट जो हो जाएगा वो साठ रुपए से बढ़कर सिक्सटी वन पॉइंट सेवन वन हो जाएगा अब ये होगा कैसे ये देखिए सिक्सटी का रेट था या सिक्सटी रुपीज था उसकी वैल्यू इंक्रीज करी एट परसेंट से और डिवाइडेड बाय दूसरी जगह जो इन्फ्लेशन था वो हमारा था पांच परसेंट इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट सिक्सटी वन पॉइंट सेवन वन राइट थोड़े से ड्रॉबैक्स भी इस थ्योरी के हैं क्योंकि बिना क्रिटिज्म के कोई भी थ्योरी डेवलप नहीं होती है और ऑलरेडी थ्योरी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द एजेंशन तो एजेंशन अपने आप में क्रिटिसिज्म भी हो जाते हैं वेरिएशन इन द प्रोडक्ट कंसिडर्ड मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों कंट्री की बास्केट के गुड्स एंड कमोडिटीज सेम ना हो बेसिस फॉर जनरल प्राइस लेवल इन द टू कंट्रीज में भी डिफरेंट एक कम्युनिटी की डिमांड ज्यादा है तो उसकी प्राइस ज्यादा होंगे कंट्री कंट्री में में उसी की प्राइस दूसरी कम है उसकी डिमांड कम होगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया गया टैरिफ नहीं लिया गया एक कंट्री दूसरी कंट्री ओनली द प्राइस ऑफ कम्युनिटी दिवरी इज साइलेंट ऑन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ द कम्युनिटी

थोड़े बहुत हमारे ये क्रिटिजम भी है तो टुडे वी हैव डिस्कस डिमांड एंड सप्लाई एज वेल एज मिंट पावर एंड परचेजिंग पावर द रिमेनिंग टू थ्योरी और द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द एक्सचेंज रेट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर इट